आज हम लोग बात करेंगे कि लार्ज फाइल्स या फिर बिग फाइल्स को कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर फ्री। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बड़ी फाइल्स रहती है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, सिक्योरली कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बीच में कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, कोई भी हैक नहीं कर पाए। आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की नीड क्यों पड़ेगी। सबसे पहले, अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है वायरलेसली, तो फिर मैं यहाँ पर इस सर्विस का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मुझे अगर किसी और को सेंड करना है, किसी अपने टीम मेंबर को सेंड करना है या फिर किसी फैमिली मेंबर को सेंड करना है, तब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे कुछ सिक्योरली ट्रांसमिट करना है 100% सिक्योरिटी के साथ में, कि बीच में उसको कोई भी डिकोड नहीं कर पाए, तो मैं नॉर्मल सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे जीरो नॉलेज का प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं ये सब आपको बताऊंगा। तो बिना किसी डिले के हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो है जीमेल का। जी हाँ, जीमेल के थ्रू आप लोग 25 MB की फाइल तो भेज ही सकते हो, लेकिन साइड में वहाँ पर एक और ऑप्शन देता है गूगल ड्राइव का। तो अगर आप लोग चाहो तो गूगल ड्राइव से अटैच करके भी मेल के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेज सकते हो। दूसरा जो हमारे पास मेथड रहता है वो रहता है किसी एक्सटर्नल सर्विस का यूज़ करने का, जैसे कि यहाँ पे वी ट्रांसफर हो गया। वी ट्रांसफर पे हम लोग यहाँ पे 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और एक और एक ऐसी वेबसाइट है इंडिया की खुद की, डिजीबॉक्स, इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। इनका भी एक इंस्टा शेयर रहता है जिसके थ्रू आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे 2 GB तक की फाइल भेज सकते हो। नाउ अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग 5 GB फ्री में भेज सकते हो, और ये वो सर्विस है जिसका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, पी क्लाउड। तो यहाँ पे पी क्लाउड ट्रांसफर, इसका मैंने डिटेल्ड आर्टिकल डाल के रखा है, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा इसका, आप लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर मैं क्विकली बताऊँ तो पी क्लाउड ट्रांसफर आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आप लोग 5 GB की फाइल्स ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली इसका फंडा ये रहता है कि आपको ईमेल डालना पड़ता है जिसको ये ईमेल रिसीव होगा और कहाँ से ईमेल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहती है, एक सेंडर का ईमेल डालना रहता है, एक यहाँ पर हम लोग हमारा ईमेल डाल देते हैं, एंड एक यहाँ पर हम लोग मैसेज डाल देते हैं, दिस इज मैसेज। और यहाँ पर अब हम लोग अपनी 5 GB तक की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं फ्री में। अब यहाँ पर हम लोग इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इनक्रिप्ट में यहाँ पर हमें हैकर्स, मैलवेयर्स और इनक्रिप्टेड मैसेज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी इस फाइल को नहीं देख पाएगा बिना पासवर्ड के, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जीरो नॉलेज है कि नहीं है। और जब हमने इनसे पूछा कि इनके पास जीरो नॉलेज है कि नहीं, तो फिर इनका एक अजीब सा रिप्लाई आया जिसमें इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि जीरो नॉलेज है कि नहीं। तो इनक्रिप्टेड तो है, लेकिन जीरो नॉलेज है कि नहीं ये अभी नहीं पता। इनक्रिप्टेड है, विच इज़ गुड। पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद इनेबल इनक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ 200 MB की मैं सिंगल फाइल भेज सकता हूँ अगर मुझे इनक्रिप्टेड में भेजना है। तो मतलब अगर मेरी कोई एक फाइल है, ये ट्यूब बडी का मेरा रिव्यू वीडियो, ये 1.5 GB का है, तो मैं 1.5 GB की फाइल यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं भेज सकता हूँ। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ, तब अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, लेट्स से दिस वन, अब यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको सेंड भी कर सकता हूँ, ऐड मोर फाइल्स कर सकता हूँ, मेरे पास 5 GB तक की लिमिट है। सेंड फाइल्स पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, एग्री। अब ये यहाँ पर अपलोड होके सेंड हो जाएगी। इसकी ट्रांसफ़र स्पीड की बात करूँ तो इसकी ट्रांसफ़र स्पीड भी मुझे यहाँ पर अच्छी मिली है। जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास 100 MBPS का कनेक्शन है, मैं यहाँ पे 1.4 GB की फाइल अपलोड कर रहा हूँ और ये अराउंड 3 मिनट में अपलोड हो जाएगी। सो दैट्स रियली गुड, फास्ट है ये। सो पी क्लाउड पर ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है और लिंक इस ईमेल पे चली गई है। और जैसे ही इस ईमेल को खोला जाएगा, आपको यहाँ पर अगेन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो रिसीवर है उसको इस टाइप का यहाँ पे ईमेल रिसीव होगा कि इस ईमेल से आपको यहाँ पर एक फाइल आई है और ये मैसेज है, ये वाला मैसेज यहाँ पे मैंने टाइप किया था, और इसको अगर डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ और इस फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ फॉर फ्री। ये पैनल आ गया, इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, एंड देन काम खत्म, डाउनलोड हो गई यहाँ पर मेरी फाइल। और जैसे ही मेरी पिकलाउड पे कोई फाइल डाउनलोड करेगा, इस तरह का आपको मेल आ जाएगा कि उस ईमेल आईडी ने यहाँ पर आपकी फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अगला जो मेथड है वो है ट्रेसोरेट सेंड का यूज़ करना। ट्रेसोरेट सेंड यहाँ पर आपको जीरो नॉलेज देता है, 100% यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। जीरो नॉलेज मतलब कि कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ ना कि उनका कोई टीम मेंबर, ना कि कोई इंजीनियर, ना कि कोई हैकर, कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता बिना आपके पासवर्ड के। तो ट्रेसोरेट सेंड के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड आर्टिकल डाल के रखा है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा इसका लिंक। कैसे यूज़ करना है ट्रेसोरेट सेंड पे हमें जाना है, यहाँ पर हमें अपनी फाइल्स को ऐड कर देना है, एंड देन क्रिएट सिक्योर लिंक पे हम लोग क्लिक कर देंगे। मैं अगेन यहाँ पर अपनी ट्यूब बडी वाली फाइल को ऐड कर देता हूँ, ये 1.4 GB की है
और इसके बारे में गेट ईमेल्स, अगर आपको यहाँ पे प्रमोशनल ईमेल्स चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और ईमेल में अगर कोई यहाँ पर ओपन करे आपके लिंक को तो आपको ईमेल आ जाना चाहिए। फिर लिमिट लिंक ओपनिंग, इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक्सेस लॉक के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट लिंक विद पासवर्ड, इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सो दैट्स गुड। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट सिक्योर लिंक, अब यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे सिक्योर लिंक भी मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये जीरो नॉलेज है तो इसकी यहाँ पे जो स्पीड मिलेगी वो आपको थोड़ी स्लो मिलेगी कंपेयर टू पी क्लाउड ट्रांसफर, लेकिन अगर आपको पूरी प्राइवेसी चाहिए तो मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा ट्रेजोरिट सेंड का यूज करना, कि काफी थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी हो चुके हैं तो दे आर जेन्युइन, सिक्योरिटी के मामले में ट्रेजोरिट इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। तो यहाँ पर मेरी फाइल अपलोड हो गई है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ट्रेसोरेट का, जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। अब मैं इसको आपको इनकॉग्निटो में खोल के बताता हूँ, उसको इस तरीके का पैनल आ जाएगा, यहाँ पर उसको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने सेट किया था, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद वो इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। नाउ ट्रेसोरेट में यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी रहती है, जैसे कि सिर्फ आप लोग 5 GB की फाइल्स एक टाइम पे भेज सकते हो और सिर्फ मैक्सिमम 100 फाइल्स भेज सकते हो, अगर 100 फाइल्स से ऊपर है तो वो नहीं जाएगा, उसको आपको जिप करके भेजना पड़ेगा, और जो भी आप लोग लिंक यहाँ पे भेजोगे वो सिर्फ यहाँ पे 10 टाइम्स डाउनलोड हो सकता है। सो 5 GB की फाइल तो आप लोग वैसे भेज सकते हो, अब अगर हमें 5 GB से भी ऊपर की फाइल भेजनी है तो हमें कैसे भेजना चाहिए, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको एक मेथड बता देता हूँ, वो है मेगा के थ्रू, mega.nz। ये रही mega.nz की वेबसाइट, अब इन्होंने mega.io कर दिया है, यहाँ पर आपको 15 GB तक की फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे 50 लिखा है लेकिन 15 GB परमानेंट रहती है, बाकी आती है जाती है, तो 15 GB तक की यहाँ पे आपको फ्री स्टोरेज मिल जाती है। ज़्यादा डिटेल में जानना है इसके बारे में तो मेरा ये फ्री क्लाउड स्टोरेज वाला वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया मेगा के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फ्री में अकाउंट बना लेना है, वहाँ पर एक फोल्डर बना देना है, उस फोल्डर में जो भी आपको किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना है उसमें वो सारी चीज़ें अपलोड कर दो, राइट क्लिक करो उस फोल्डर पर, उसको शेयर करो, शेयर एज अ लिंक करो, और वो वाला लिंक उस पर्सन को भेज दो जिसे वो सारी फाइल्स को डाउनलोड करना है। और यहाँ पर भी आपको जीरो नॉलेज मिल जाता है, तो अगर आपको 15 GB तक की फाइल भेजनी है तो इस तरीके से आप लोग भेज सकते हो, लेकिन यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपको फास्ट स्पीड में ट्रांसफर करना है तो पी क्लाउड ट्रांसफर का यूज करिए, अगर आपको सिक्योरली ट्रांसफर करना है तो ट्रेसोरिट सेंड का यूज करिए, अगर आपको ज्यादा बड़ी फाइल भेजनी है जो 5 GB से ऊपर है तो फिर आप लोग mega.nz पे अकाउंट जाके रजिस्टर करके वहां से लिंक शेयर कर लीजिए। सो इस तरीके से हम लोग अपनी लार्ज फाइल्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर फ्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।